सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड फाइनली आ चुके हैं हम लोग एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी दिनों के बाद पड़ रहा है, लेकिन भाई आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। बिकॉज इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 2.1 के अपडेट में आपको बोट लॉबी कैसे लगानी है। और भाई बोट लॉबी लगाने के आपके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। आप अपनी केडी को एकदम मेंटेन करके रख सकते हो, और आपको 10+ स्किल चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी अगर आप कोई अपने मिशन वगैरह पूरे करना चाहते हो तो उन्हें आप एकदम इजीली तरीके से अपने मिशन को पूरे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आपको बताते हैं कि आपको बोट लॉबी कैसे लगानी है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं भाई सबसे पहली ट्रिक की। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना इरेंगल मैप लगाना है, और इरेंगल मैप को आपको बिना कोई इवेंट के खेलना है। मतलब जो इवेंट आया हुआ है फेरो वाला, तो आपको उसे डिजेबल करके खेलना है, ठीक है। जो एनिसन सिगरेट वाला जो अपना मोड आया है उसको आपको डिजेबल करके अपना खेलना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्वायर मैच लगा लेना है, एंड आपको जो नो ऑटो मैचिंग लिखा हुआ है तो इसको आपने डिजेबल कर देना है। एंड आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना है, ठीक है। तो सोलो वर्सेस स्क्वाड लगाना है, एंड उसके बाद आपको अपना मैच स्टार्ट करना है। और आपको लॉबी में ही पता चल जाएगी आपको कैसी लॉबी मिली हुई है, बोट लॉबी मिली है या आपको थोड़ी मीडियम लॉबी मिली है या आपको हाईएस्ट लॉबी मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मैच स्टार्ट हो चुका है, एंड मेरे को लॉबी भी यहाँ पर मिल चुकी है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सी लॉबी मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर मेरे को रियल प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, बाकी यहाँ पर कोई ज़्यादा प्लेयर भी अभी नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो भाई आपको ट्रिक अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपको लॉबी मिले तो आपको लॉबी में ही देख लेना है। एंड यहाँ पर आप टाइम मेरा देख सकते हो, सुबह के 5 बज चुके हैं, एंड मैं सुबह के 5 खेल रहा हूँ, तो आपको भी सुबह के 5 बजे ही ट्राई करना है, ठीक है। मतलब सुबह के ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर ज़्यादा रियल प्लेयर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे बोट ही नज़र आ रहे हैं, बाकी यहाँ पर थोड़े बहुत रियल प्लेयर भी मेरे को दिख रहे हैं। तो भाई ये ट्रिक अप्लाई करके भी आप बोट लॉबी लगा सकते हो। बाकी हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ, ठीक है। तो भाई चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरी ट्रिक के बारे में। आपको ऐसा मैप खेलना जो भाई बंदे बहुत ही कम खेलते हैं, तो वो मैप कौन सा हो गया। नंबर 1 पे आता है अपना क्राकिन मैप, एंड दूसरे नंबर पे आता है मिरामार, ठीक है। तो मिरामार खेलना है, आपको क्राकिन मैप खेलना है, और उसके साथ आप लिबिक भी खेल सकते हो, ठीक है। आपको ये 3 मैप खेलना है, इसमें भाई आपको भर भर के बोट मिलते हैं। और भाई आप यकीन मानिए मैंने ये चीज़ ट्राई करी हुई है, तो मेरे को पता है कि कितने ज़्यादा बोट मिलते हैं। क्राकिन में आपको सबसे ज़्यादा बोट मिलेंगे, एंड आपको मिरामार में भी बहुत ज़्यादा बोट देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भाई आपको सीक्रेट बोट लोकेशन पे वीडियो चाहिए, तो भाई आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो भाई मैं आपको उसी पे बना दूंगा, ठीक है। तो ये अपना दूसरा ट्रिक हो चुका है, एंड हम लोग बात कर लेते हैं अपनी तीसरी ट्रिक के बारे में। सर बात कर लेते हैं हम लोग अपनी ट्रिक नंबर 3 के बारे में। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे प्लेयर को ढूंढना है या अपने किसी फ्रेंड को ऐसे इनवाइट करना है जिसका लेवल एंड टीयर एकदम लो हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको अपने टीममेट लीडर बना देना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अपना मैच स्टार्ट करने से पहले अपना जो ऑटो मैचिंग होता है उसे आपने डिजेबल कर देना है। एंड उसके बाद भाई आपको अपना मैच स्टार्ट करना है। तो भाई जैसे आप अपना मैच स्टार्ट करोगे तो आपके टीममेट के अकॉर्डिंग, मतलब आपने जिसे लीडर बनाया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर बंदे सारे के सारे मिलने वाले, एकदम भाई आपको लो टीयर वाले बंदे मिलेंगे, एंड जिनका स्किल एकदम 0 होने वाला है, जिन्हें आप आराम से मार सकते हो। एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपको सारे के सारे बोट्स ही वहाँ पर मिलने वाले। तो भाई ये ट्रिक अप्लाई करके भी आप बोट लॉबी लगा सकते हो। बाकी यार हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। ओके सो यार बात कर लेते हैं हम लोग अपनी चौथी ट्रिक के बारे में। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एकदम नूब बन जाना है। मतलब आपने जितनी भी सारे टाइटल लगा रखे हैं, जितनी भी सारे एकदम बढ़िया बढ़िया से कपड़े पहन रखे हैं, और आपने जो भी अपना करेक्टर लगा रखा है, तो आपको करेक्टर भी चेंज करना है। आपको एकदम नॉर्मल वाला करेक्टर लगाना है, जो कि आपको जब आपने पबजी मोबाइल या VGMI स्टार्ट करा था तो जो आपको मिला हुआ था, तो वो वाला करेक्टर आपको लगा लेना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी सारी स्किन, गन की स्किन, बैग की स्किन, और जितने भी सारे अपने कपड़े पहन रखे हैं, मिथिक आउटफिट वगैरह, सबको अपने एकदम रिमूव कर देना है। एंड उसके बाद आपको एकदम ऐसे वाले कपड़े पहनने हैं जो आपको बोट वाले कपड़े मिलते हैं, ठीक है। तो वो आपको पहन लेना है, एंड उसके बाद भाई आपको अपना मैच स्टार्ट करना है। तो भाई ये ट्रिक भी अप्लाई करके आप बोट लॉबी लगा सकते हो। और भाई मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूँ, आपको ये चीज़ें 2-3 बार ट्राई करना है, आपको एकदम से नहीं मिल सकती, ठीक है। आपको 1-2 बार ट्राई करना है, एंड उसके बाद आपको अपना मैच स्टार्ट कर लेना है, और भाई आपको बोट लॉबी आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी यार हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, एंड वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।